हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करूंगा मैं इंडियन आर्मी के खाने के बारे में, बात करूंगा किस तरह का खाना मिलता है। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि फ़ौज का खाना अच्छा नहीं है, फ़ौज का खाना ऐसा है वैसा है, तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा जो मैंने खाया है, जो मैं अभी तक खा रहा हूँ कितने सालों से, उस बारे में दोस्तों मैं बात करूँगा। जो मैं फ़ोटो लगाऊँगा ना, वो मेरी ही खींची हुई मेनली फ़ोटो लगाऊँगा, ठीक है, तो उस बारे में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लस ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, वो क्योंकि बहुत से लोगों की मेंटलिटी है कि फौज में खाना ठीक नहीं मिलता, ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं फौज में खाने की बात करूँ ना, तो खाना काफ़ी बढ़िया होता है। मैं कहूँगा टेस्ट में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। अप डाउन कब होता है? जब आपकी पलटन सेमी फील्ड में होती है। सेमी फील्ड से कहने का मतलब जम्मू एरिया में होती है ना, तो वहाँ पर अप डाउन हो सकता है टेस्ट में, क्योंकि यार नॉर्मल सी बात, अगर एक हाउस की एक कुक हाउस चल रहा है ना, एक कुक हाउस, और उसमें 500 लोगों का खाना बन रहा है, तो टेस्ट में थोड़ा अप डाउन रहेगा। बट अगर मैं बात करूँ दाल की, तो दाल में जैसे अपने बहुत साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी BSF के कोई जवान की, उसने दिखाया था कि दाल में ओनली दाल है ही नहीं, ओनली हल्दी वाला पानी है, बट ऐसा नहीं होता। आपको दाल के अंदर काफ़ी दाल मिलेगी, तो कह सकता हूँ जो प्रोटीन का सोर्स है वो आपको पूरा मिलता है, ठीक है। अब मैं मेनली शेड्यूल बताता हूँ कि किस समय क्या क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हफ्ते में 3 दिन चिकन मिल बनता है, चिकन या मीट जो भी होगा वो बनता है शाम के टाइम, ठीक है, और खीर बनती है 3 टाइम हफ्ते में, 3 टाइम खीर बनती है। अब मैं डेली बताता हूँ, डेली मेनली नाश्ते से लेके क्या क्या मिलता है, ठीक है। सुबह दोस्तों आपकी 5 बजे या 4:30 बजे चाय बन जाती है, चाय रेडी हो जाती है, आप जाओगे चाय अपनी लेके आओगे और अपने जो भी दोस्त भाई हैं सबको पिलाओगे, ठीक है। चाय हो जाती है इतने बजे, फिर आपका PT करने के बाद आपका होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में भी अलग से चाय बनती है, और प्लस आपका मेन नाश्ता क्या होता है, नाश्ता दोस्तों फौज में ज़्यादातर पूड़ी और सब्जी का नाश्ता होता है, हैवी नाश्ता होता है। हैवी इसलिए होता है क्योंकि आपको 1-2 बजे तक अपना ट्रेनिंग करना है, आपका वर्क करना है, जो भी आपको काम दिया गया है वो करना है, तो इसलिए हैवी नाश्ता दिया जाता है ताकि आपको चक्कर वगैरह ना आए और आपको जो भी टास्क दिया गया हो वो कर लो, ठीक है। नाश्ते में भी दोस्तों कई बार मैंने देखा है काफ़ी वैरायटी होती है, जैसे आज आपको पूड़ी सब्जी बना दिया तो अगले दिन छोले भटूरे बना दिए, और उसके अगले दिन इडली बना दी, फिर उपमा बना दिया, ठीक है, फिर सैंडविच बना दी। ऐसा मैंने खुद खाया हुआ है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, खुद खाया हुआ है मैंने, ऐसा भी रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका टी ब्रेक होता है, मेनली 10:30 बजे के करीब आपका टी ब्रेक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें अभी आपकी चाय बनती है, नाश्ते में भी चाय बनती है, उसमें भी आपकी चाय बनती है। जब टी ब्रेक होता है तब चाय बनेगी, प्लस आपको जो भी स्नैक्स वगैरह होगा, पकौड़े वगैरह, जो भी नमकीन वगैरह, वो दी जाती है, ठीक है, ये बन गया। अब बात करता हूँ मैं 12 या 12:30 बजे आपका जो लंच होता है दोस्तों, लंच काफ़ी बढ़िया होता है। उसमें मेनली आपकी दाल चावल, एक सब्जी, रोटी, और इनकी अगर बात करूँ दोस्तों, टेस्ट में अप डाउन हो सकता है। जब अप डाउन जब होता है, जब 500 लोगों का खाना एक जगह बन रहा हो, जैसे सेमी फील्ड एरिया है, वहाँ टेस्ट में अप डाउन हो सकता है। बट अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, तो क्वांटिटी दाल की प्लस आलू की, मसाले की, सब कुछ होती है, ठीक है। और शाम के अगर खाने की बात करूँ तो दोस्तों मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन दोस्तों आपका नॉनवेज रहता है, और जिस दिन नॉनवेज रहेगा ना, वो दिन आपका पनीर भी होगा, ठीक है, और मिक्स वेज सब्जी भी होगी, दाल भी होगी, और प्लस दोस्तों आपका खीर भी होगी। तो ये मतलब 3 दिन का शेड्यूल है, ये रहता ही है, ठीक है। और अगर मैं संडे की बात करूँ दोस्तों, संडे में आपका काफ़ी मेनली बड़ा खाना होता है संडे को, ठीक है। संडे में आपको नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आपको दोस्तों खिचड़ी मिलती है। आप जितनी भी रेजिमेंट में जाओगे ना, इन्फेंट्री या फिर कोर में, मेनली संडे के टाइम खिचड़ी फॉलो करते हैं, ताकि खिचड़ी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, फिर खिचड़ी होती है। फिर उसमें दोपहर में आपका बड़ा खाना बनता है। बड़े खाने मेनली आपको क्या दिया जाता है, बड़े खाने में आपका होता है दाल, दाल तो रहती है, दाल हो रह सकती है, दाल मखनी हो सकती है, ठीक है, दाल रहेगी आपकी, दाल मतलब ये समझो दाल हमेशा बनती है, ठीक है, दाल एक परमानेंट सोर्स है। दाल होगी आपकी, मिक्स वेज सब्जी हो गई, अंडा कड़ी होगी, पनीर हो गया, और खीर हो गई, चावल हो गया, पूड़ी हो गया, ये हो गया आपका दोपहर का। और फिर नाइट की बात करूँ, नाइट में मेनली दाल होगी, कोई सब्जी होगी, और रोटी चावल, ये हो गया मेनली शेड्यूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन आर्मी के खाने के बारे में पता होगा। काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी अंधविश्वास है, काफ़ी लोग कहते हैं कि खाना इतना बढ़िया नहीं। हाँ दोस्तों, एक और रोटी, क्योंकि काफ़ी लोगों की रोटी बनती है, तो रोटी में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। घर जैसी रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि घर में मेनली आप 4-5 लोगों की रोटी बनाते हो,
फौज में काफ़ी लोगों की रोटी बनती हैं, तो रोटी अप डाउन हो सकती है, बट खाना अगर मैं कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ कि खाना बेकार नहीं होता, खाना काफ़ी अच्छा होता है, खाने लायक होता है और हेल्दी होता है। और एक गांव में जो बंदा गांव से आता है, मेनली इतना चीज़ें नहीं बन पाती, इतनी चीज़ें आप नॉनवेज खीर वगैरह डेली डेली नहीं खा सकते, ठीक है, तो वहाँ फौज में काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं तो ये कहूँगा, मैं भी काफ़ी सालों से खा रहा हूँ, मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत।